हरे कृष्णा। एक बार श्रील प्रभुपाद के गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज से उनका एक शिष्य मिलने के लिए आया। वो गृहस्थ लाइफ में था, उसकी बहुत सी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी थी। तो महाराज से मिला वो, महाराज से उन्होंने बहुत सी इंस्ट्रक्शंस ली और उसके बाद उसने कहा कि अब मेरे को जाना होगा वापस अपने गाँव। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने कहा कि अभी इतना जल्दी तुम वापस क्यों जा रहे हो? उन्होंने कहा कि मुझे ऑफिस ज्वाइन करना है, मेरी छुट्टियां जो हैं वेकेशंस ख़त्म हो रही हैं। तो भक्ति सिद्धांता ने कहा कि तुम आप एक एप्लीकेशन डाल दो कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैं ऑफिस को इमिडिएटली ज्वाइन नहीं कर सकता। वहाँ पे एक जेंटलमैन खड़ा था, उस जेंटलमैन ने सोचा कि ये भक्ति सिद्धांता बहुत परम सत्य की बातें करते हैं और यहाँ पे अपने शिष्यों को इस प्रकार से झूठ को प्रैक्टिस करने की शिक्षा दे रहे हैं, दिस इज़ नॉट राइट। उन्होंने भक्ति सिद्धांता को बोला कि आप इस प्रकार से गलत शिक्षा अपने शिष्य को सिखा रहे हैं झूठ बोलने की। तो भक्ति सिद्धांता ने जब इस प्रकार से सुना तो वो थोड़े दुखी हो गए और उन्होंने फास्टिंग शुरू कर दी। एंड एक दूसरे शिष्य थे भक्ति सिद्धांता के, तो वो जब गौड़िया मठ में आए वापस, उनको ये सूचना मिली कि इस प्रकार से वो जो जेंटलमैन था उसने भक्ति सिद्धांता को बोला है कि वो गलत टीचिंग सिखा रहे हैं अपने शिष्यों को। तो वो जो दूसरे डिसाइपल थे उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने वो उसको इमिडिएटली अपने साथ पकड़ के लेके गए। कहाँ पे? उसके घर पे, यानी कि उस जेंटलमैन के घर पे उसको लेके गए। तो जब वो गए तो उन्होंने उसके घर जाके उनसे बोला कि अगर सपोज़ करो कि आपके घर में डकैती हो, चोरी हो जाए, चोरी करने के लिए चोर आ जाए बहुत सारे आपके घर में, और जब वो चोर आपके घर में आए और आपकी वाइफ एक कमरे में पीछे छुपी हुई है और उसने बहुत सा गहना पहना हुआ है, बहुत से आभूषण पहने हुए हैं, और जब वो चोर घर में चोरी करने सब जगह वो कहें कि और कहीं सामान तो नहीं रखा हो तुम्हारे घर में, हीरे आभूषण, तो अगर आपने कहा कि नहीं नहीं मेरी वाइफ ने पहना हुआ है तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा। बट आप क्या कर रहे हो? आप अपनी वाइफ को छुपा रहे हो, उसके आभूषणों को छुपा रहे हो, आप उसके लिए झूठ बोल रहे हो, आप उन चोरों से कह रहे हो कि नहीं नहीं मेरे घर में और कुछ नहीं है। तो ऐसे में झूठ बोलना क्या वो समय की मांग है? बिल्कुल वो समय की मांग है, तो ऐसे में झूठ बोला जा सकता है। तो फिर उन शिष्य ने कहा कि इसी प्रकार से भक्ति सिद्धांता को पता है कि हमारे जीवन की फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है। हम सभी अभी अपनी लाइफ में भगवान से दूर हैं और भक्ति सिद्धांता को पता है कि क्या सत्य है, क्या इम्पॉर्टेंट है, क्या रेलेवेंट है, किस चीज़ को समय के अनुसार हमें प्रैक्टिस करना चाहिए। कई बार हमें अपनी लाइफ में हायर कॉस्ट के लिए लोअर कॉस्ट जो होता है उसको हमें इग्नोर करना होता है। दूसरे शब्दों में भगवान से भगवान के भक्तों से संग करना कई बार हमारी लाइफ में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, जिससे हमारी भक्ति में प्रगति करने में सहायता मिलती है रैदर देन झूठ बोलने में। तो झूठ बोलने में ऐसे कोई खराबी नहीं है, अल्टीमेटली हमें इस चीज़ को देखना होगा हम झूठ क्यों बोल रहे हैं। तो इमिडिएटली उस जेंटलमैन को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो इमिडिएटली भागकर भक्ति सिद्धांता के पास गए और उन्होंने उनसे माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा कि मैंने बहुत बड़ी गलती करी, मैंने अपनी आपकी भावनाओं को नहीं समझा और जो अर्जेंसी है कि किस प्रकार से हम कृष्ण की सेवा में अधिक से अधिक लगा सकते हैं अपने आप को, मैंने उस चीज़ को इग्नोर किया। मोरल ऑफ द स्टोरीज़ कि हम कभी कभी अपने जीवन में झूठ बोल सकते हैं, प्रोवाइडेड हमें उसका जो कॉज है, हम झूठ क्यों बोल रहे हैं, झूठ बोलने की पीछे हमारी चेष्टा क्या है, हमें उस चेष्टा को अपने आप से बिल्कुल क्लियर करके चलना होगा। अगर हमारी गलत चेष्टा होगी तो उसका रिपरकशन आएगा, बट हमारी सही चेष्टा है कोई हायर कॉज के लिए हमें झूठ बोलना है तो उसमें कोई हार्म नहीं है, उसमें कोई खराबी नहीं है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।